तेल लगाना छोड़िए और इसे लगाइए, बाल ऐसे बढ़ेंगे कि। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों चाहे महिला हो या पुरुष हो, 90% सुंदरता उनके बालों से ही होती है, तो इसलिए बालों को सुरक्षित और खूबसूरत रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने बालों की वो केयर नहीं कर पाते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। इसके वजह से हमारे बाल झड़ने व टूटने लगते हैं और बाद में हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का यह उपाय आपके बालों को लंबा, घना, चमकदार और खूबसूरत बना देगा। तो आइए चलिए देखते हैं आपको कैसे इस उपाय को तैयार करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर लेना है ये दोस्तों कढ़ी पत्ता। चाहे पतले बालों को मोटा करना हो या फिर बालों की जड़ों को मजबूत करना हो, इन सभी समस्याओं में ये कढ़ी पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों कढ़ी पत्ते के अंदर आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C जैसे पोषक तत्व तो होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है ये 10 कढ़ी पत्ते। आप यहाँ पर गिन लीजिए और आप 10 ये कढ़ी पत्ता ले लीजिए। फिर आपको यहाँ पर इसमें लेना है ये सरसों का तेल। सरसों का तेल हमारे बालों की जड़ों को पोषण देकर रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे हमारे बालों का झड़ना बंद हो जाता है। और दोस्तों सरसों के तेल में ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो हमारे बालों को लंबा करता है, चमकदार बनाता है। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए आप यहाँ पर ले लीजिए कम से कम 100 ml ये शुद्ध सरसों का तेल और एक कटोरी में डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप इस तेल को लीजिए और पूरा दिन धूप में रख दीजिए। शाम को इस तेल को आप धूप से बाहर लाइए और एक कांच के बोतल में इसे छान करके स्टोर करके रख लीजिए। और हफ्ते में 2 बार आप अपने बालों को धोने के बाद इसका प्रयोग कीजिए। यानी कि एक बार जब आप इस तेल का निर्माण कर लेते हैं तो आप इसका इस्तेमाल 1 महीने से अधिक भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल लंबे और घने चमकदार होते ही हैं, साथ साथ आपके बालों को वह सारी चीज़ें मिलती है जो आपके बालों को ज़रूरत होती है, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में घंटे को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।